रजत दलाल ने रिएक्ट किया है कैरी मिनाटी ने जो उनको सॉरी बोला है एंड अपने वीडियो में से उनके सेक्शन को ट्रिम किया है। एंड इतना ही नहीं, आशीष चंचलानी एंड भुवन बाम ने भी कैरी मिनाटी वर्सेस रजत दलाल की इस कॉन्ट्रोवर्सी को थोड़ा ट्रोल किया है। ऑलराइट गाइस, तो बात करते हैं कैरी मिनाटी वर्सेज रजत दलाल की कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में, जिसके कैरी मिनाटी की साइड से एक इंस्टाग्राम स्टोरी आई थी जहाँ पर उन्होंने कहा था कि रजत दलाल ने उनसे रिक्वेस्ट की थी इसलिए उन्होंने वो वीडियो में से पार्ट को ट्रिम कर दिया है एंड वहाँ पर उन्होंने उनसे सॉरी भी बोला था। इसके बाद रजत दलाल ने रिएक्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर ये शेयर किया है, उन्होंने कैरी मिनाटी की स्टोरी को पोस्ट किया है एंड वहाँ पर नीचे कैप्शन में लिखा है रिक्वेस्ट, चलो कोई बात नहीं कैरी मिनाटी, तगड़े होने पे ध्यान दो। एंड इतना ही नहीं, रजत दलाल ने एक और वीडियो पोस्ट किया है जहाँ पर उन्होंने दोबारा से रिप्लाई करते हुए क्या कहा है आप देखिए। मैंने एक चीज देखी कि रजत पे ना एक रोस्ट नहीं लिया गया, एक मजाक नहीं मिला। तो मेरे भाई, दो तरह की ऑडियंस होती है, एक जो फेवर में बोलती है, एक जो अगेंस्ट बोलती है। अगेंस्ट वाली चीजें सबकी छुट्टी है, मेरी भी चल रही है, पर मैंने कभी रिस्पॉन्ड उस पर कुछ करा नहीं। कैरी को इतनी बड़ी ऑडियंस के साथ ये चीज समझनी चाहिए कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अगर किसी को डिफेम कर रहा है वो इंसान को। आपने एक शब्द यूज करा चपरी, 3 महीने की कंट्रोवर्सी से आपने कंटेंट उठा लिया आपके मसाले के लिए जो काम करता। आपने पीछे जाके ये नहीं देखा कि 10 साल से एक इंसान काम क्या कर रहा है। पहले डिस्ट्रिक्ट जीतना पड़ता है, फिर स्टेट, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल। एक सीडी वाइज चीज बता रहा हूँ, मेरी पहली पोस्ट ना 12 इंटरनेशनल मेडल। 4 महीने में मैं भी एक बहुत जबरदस्त रोस्ट बना सकता हूँ, बहुत जबरदस्त, जो बढ़िया चलेगा और वो भी आपके ऊपर। आप 4 साल में इंटरनेशनल स्टेज पे पैर नहीं रख सकते। और चलो जुगाड़बाजी से अगर पैर रख भी दिया तो भाई बकलोली करने से ना अवार्ड मिलते हैं मेडल। तो इसी कंट्रोवर्सी पर आशीष चंचलानी ने रिएक्ट करते हुए ये इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की है जहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, सोच रहा हूँ कंट्रोवर्सी करके ही चैनल चलाऊं। एंड नेक्स्ट स्टोरी में वो भुवन बाम को टैग करते हुए कहते हैं सॉरी बोल, एंड वहाँ पर उन्होंने ये वीडियो शेयर किया था। के साथ लफड़ा करो, क्या स्क्रिप्ट बनाऊं जिससे लगे कि सबको जेन्युइन है लेकिन एकदम मजा आ जाए, इंटरनेट पे एंगेजमेंट आ जाए। हर्ष को रोस्ट कर चुका हूँ, कैरी बिजी है, भुवन को करता हूँ, भुवन और मेरा अनएक्सपेक्टेड रहेगा। स्क्रिप्ट करता होगा इस कंट्रोवर्सी। उसके बाद कैरी मिनाटी के काफी सारे फैंस खुश नहीं हैं, बट काफी सारे लोगों का ये भी मानना है कि कैरी मिनाटी ने इस कंट्रोवर्सी को काफी मेच्योरली हैंडल किया है। काफी सारे यूट्यूबर्स की साइड से भी इस पर रिएक्शन आया, जैसे कि लक्ष्य चौधरी एंड सम्राट भाई ने कुछ ये कहा। रजत दलाल, उनका कैरी मिनाटी पर रिएक्शन आया है वीडियो पर। लक्ष्य भाई का क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? अरे ऐसे ही कर रहे हैं रजत, कुछ ऐसा कुछ सीरियस नहीं है, ऐसे ही कर रहा है भाई, वो भी खाली है वीडियो। पहले तो मैं सोच रहा हूँ, मतलब आप कैरी ने ये देखो, तुम कैरी ने कब जाके देवते पे वीडियो बनाई, वो तब से इनएक्टिव ही है, ऐसा भी नहीं कि वायरल चल रही है। अच्छा सम्राट भाई, उसमें एक चीज और हुआ है ना कि जैसे वो डिलीट कर दिया तुरंत, अपने तुरंत डिलीट भी वीडियो अपनी डिलीट कर दी इंस्टाग्राम स्टोरी से। वो तो आदत है भाई की, थोड़ा गाली बोलना शुरू होते हैं डिलीट कर दे। नो डाउट कैरी ने अभी इस टाइम पे इस टॉपिक को क्यों उठाया मुझे समझ नहीं आता, जबकि उसके पास और भी अच्छे थे। और मैं ये भी नहीं समझ पा रहा कि कैरी डायरेक्ट क्यों नहीं करता, रजत दलाल खुद ऐसा कंटेंट है जिसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है। एंड इतना ही नहीं, धीरू मौंचिक ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ ये कहा है। भाई इतना गंदा मूड खराब हो रहा है ना मेरा, मैं कसम से बता नहीं सकता भाई। कल से शूट कर रहा है, मैं कल से एडिट कर रहा हूँ वीडियो रजत दलाल और कैरी मिनाटी के बसड़ पे। अब भाई इनका सॉल्व हो गया, उसने अपनी वीडियो का पार्ट ट्रिम कर दिया जिससे रजत को दिक्कत हो रही थी, अब मैं मेरी वीडियो का क्या करूँ। मैक्सिन ने भी ट्वीट करते हुए कहा, नो वन वांट्स अ स्ट्रेसफुल लाइफ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, सो रिस्पेक्ट द कैरी मिनाटी डिसीजन इंस्टेड ऑफ ट्रोलिंग हिम फॉर ट्रिमिंग द पार्ट। नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्रिगर्ड इंसान वर्सेस पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया था कि पुनीत सुपरस्टार गए थे थगेश के लफड़ा सेंट्रल के एपिसोड 3 में एज अ गेस्ट, एंड वहाँ पर उन्होंने फुकरा इंसान को लेकर तो काफी कुछ बोला ही था, साथ साथ उन्होंने ट्रिगर्ड इंसान को लेकर भी यही बोला था कि ना तो वो वीडियो ज्यादा अपलोड करते हैं, पता नहीं उनका इतना सब्सक्राइबर बेस कैसे है। एंड उनके साथ ही उन्होंने वीडियो बनाया था जहाँ से वो काफी वायरल गए एंड उस वीडियो पे अराउंड 16 मिलियन व्यूज थे, बाकी और भी बहुत कुछ कहा था, जिसके ऊपर इनडायरेक्टली ट्रिगर्ड इंसान ने रिएक्ट किया है एंड ये रील को शेयर किया है। बाकी यार आप इस पूरी कंट्रोवर्सी पर क्या सोचते हो, कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना। नेक्स्ट अब बात करते हैं मुनावर फारूकी, अभिषेक कुमार एंड ईशा मालविया के बारे में। जी हाँ गाइस, आपको याद होगा कि ये तीनों रीसेंट बिग बॉस के सीजन में एज अ कंटेस्टेंट्स थे एंड वहाँ पर ईशा, समर्थ एंड अभिषेक के ट्रायंगल के बारे में भी आपको याद होगा। तो इसी सब के ऊपर मुनावर फारूकी ने एंड अभिषेक कुमार ने ईशा मालविया को थोड़ा सा ट्रोल किया है, क्योंकि रीसेंट टाइम्स में ये न्यूज बाहर आई थी समर्थ का एंड ईशा का ब्रेकअप हो चुका है। तो आप देखिए उन्होंने वहाँ पर रील में क्या कहा है। भाई मैं जीता हूँ यार, मैं जीता हूँ।
आपका क्या है ओपिनियन, कॉमेंट्स में लिखकर जरूर बताना है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।